हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में, मैं हूं तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में शराबबंदी होने के बाद भारत नेपाल सीमा शराब तस्करी का सेफ जोन बना हुआ है, जहां से हजारों लीटर नेपाली शराब प्रतिदिन तस्कर कर पूर्वी चंपारण जिले में सप्लाई किया जाता है। जिले के ढाका पुलिस ने नाहर चौक से एक बोलेरो पर लदे भारी मात्रा में सोफी शराब को जब्त किया है। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार शराब तस्कर की पहचान हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये जो है बरेवा नार से जो है गुप्त सूचना के आधार पर ये बोलेरो और 2400 बोतल जो है शराब का पकड़ा गया है, जिसमें 80 कार्टून है और विवेका चौधरी का ये जो है बरेवा का है व्यापारी, उसी का माल है ये। मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 11 दिसंबर को भव्य मार्च पास के द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बिहार के कई जिलों के खिलाड़ी अपनी कला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण समेत मुंगेर सांसद वीना देवी, मोकामा विधायक आनंद कुमार सिंह, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, जाप नेता ललन सिंह और बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय के साथ नामचीन हस्तियां भी शिरकत करेंगी। बिहार में आए दिन अपराधियों के द्वारा कहीं न कहीं हत्या, लूट एवं अपहरण जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला पटना से सटे मनेर थाना के शेरपुर गांव का है, जहां पैसे के लेन देन के विवाद में दबंगों द्वारा एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई और शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। इस सूचना पर मौके पर पहुंची मनेर पुलिस के साथ भी लोगों ने नोकझोंक की। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर लोग मान गए और शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर भेज दी। निवासी है मोहम्मद मंसूर आला, जो धोबी पासवान के साथ विवाद चल रहा था। धोबी पासवान ने उसको लाठी से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है पीट पीट के हत्या की गई है। यहाँ मारपीट किया है और ज्यादातौर पर कपार के साइड में, गालों के बगल में कहीं चोट लगा है काफी, जिसके चलते उसकी मृत्यु पकड़ी। विरोध, इसी के विरोध में लोग जाम किए थे। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और हम लोग उसमें उसको गिरफ्तार करेंगे। समस्तीपुर में सेवारत आशा कार्यकर्ता तथा आशा फैसिलिटेटर की लंबित 12 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु 1 दिसंबर 2018 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 6वें दिन भी जारी है। जिले के कल्याणपुर पीएससी सहित जिले भर में आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य को बाधित किया है, साथ में ओपीडी सेवा लगातार बाधित की हुई है। आपका से काम कर रहे हैं 12 वर्ष से आशा लोग काम कर रही है, जुड़ करके जितना भी अभी काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का काम तो खास करके आशा के ऊपर ही निर्भर है। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को कम करने में आशा की अहम भूमिका है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम, ठोस पहल नहीं। हमें ये कहना है बिहार सरकार या भारत सरकार से, जो गली गली में और महल महल में, कोने कोने में आशा बहने ढूंढ ढूंढ के, बच्चे हो या और बूढ़े हो या जवान हो, बीमारी को खोज खोज के स्वास्थ्य विभाग में लाते हैं। लेकिन आज बिहार सरकार के साथ अगर ये काम किया जाए, जो वेतन नहीं दिया जाए, तो कितने दिन वो लोग काम करेंगे।
लेखिका एवं प्रेरक डॉक्टर त्रिशा श्री को अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने नवोन्नत प्रतिभा अवार्ड देने की घोषणा की है। अल्लापट्टी निवासी डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह एवं सुचित्रा सुमन की पुत्री डॉक्टर त्रिशा श्री MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। ड्रीम विज सक्सेस पुस्तक की लेखिका के तौर पर उनका चयन अवार्ड के लिए किया गया है। इस अवसर में निराश युवाओं को सफलता का मंत्र दिया गया है। दो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर लिखी गई बुक है और इसमें दो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और एक का सपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको एक पब्लिक फिगर बनना है, लेकिन जैसे कि हमारे समाज में है कि ज़्यादा बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत अमीर होना ज़रूरी है। मैंने बस वही दिखाया है उसमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप सोच लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत है हमारे यंगस्टर्स को, क्योंकि सारे जाहिर सी बात है सब उतने अमीर नहीं होते हैं, तो जो भी जो हमारी पब्लिक मतलब मेजॉरिटी है उनके लिए ये लिखा गया है और उससे उन लोगों को ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर उनका सच में कोई सपना है वो देखते हैं तो वो बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। तो अगर वो ये बुक पढ़ते हैं तो उनको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे और उनको ये समझ आएगा कि उनका पूरा राइट है सपना देखने का और उनमें बिल्कुल पोटेंशियल है उसको पूरा करने का। इट्स जस्ट दैट वो समझ नहीं पाते कि उनमें कितनी पोटेंशियल है। एक और बुक मैंने स्टार्ट कर दी है, वो अनाथ बच्चों के ऊपर है, क्योंकि रोमांटिक नॉवेल्स हज़ार लिखते हैं लोग, लेकिन देश की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अनाथ बच्चों के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की, काफ़ी तो नहीं थोड़ी, लेकिन जब मैंने नेट पे देखा तो काफ़ी कम लोग हैं पूरी दुनिया में उसके बारे में सर्च करने वाले या वो वीडियोस के जो व्यूअर्स हैं काफ़ी कम हैं, तो मुझे ये लगा कि बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो मैं एक ऐसी बुक लिखने की कोशिश में हूँ कि उसमें मैं अनाथ बच्चों की क्या परेशानियाँ होती है वो मैं सबके सामने ला पाऊँ। अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुभाष भल्ला जी ने व्यक्तिगत तौर पे ये सूचित किया कि आपकी पुत्री को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है और पोर्टल पर पिक्चर को और जानकारी को लोड किया जा रहा है। तो दो तीन दिन पहले मुझे पता चला, मैं इस अवार्ड के बारे में जानता भी नहीं था, उन्होंने मुझे सूचित किया और तब जब मुझे पता चला कि ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है तो मुझे भी और मेरी पुत्री भी बहुत खुशी का अनुभव किया। समस्तीपुर जिले में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना पर मोहनपुर रोड थाना मुफस्सिल थाना सड़क पर वाहन तलाशी में एक मिनी ट्रक से कुल 294 कार्टून विदेशी शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी का नेतृत्व निरीक्षक उत्पाद के सुभाष कुमार सिंह, अविनाश कुमार, प्रारीण कुमार, सुबोध कुमार झा एवं त्रिभुवन चौधरी कर रहे थे। इसकी तलाशी में दो दिन से मेरे सारे स्टाफ भिड़े हुए थे। करीब 2 तारीख से इसकी खोजबीन चल रही थी कि ट्रक कहाँ कहाँ जा रहा है। इस क्रम में जो सूचना मिला था तो रात में भी हमारे स्टाफ सारे करीब 3-4 बजे सुबह तक ला ट्रक का चेकिंग वगैरह किए हैं। आज फिर मतलब सुबह करीब 10 बजे एक नंबर से कॉल आया जिसमें इस गाड़ी के बारे में विवरण दिया गया कि करीब 2-3 बजे के आसपास मतलब ये गाड़ी बंगरा से हो कर के मुसरी घरारी से क्रॉस करेगा। तो सारे एक्साइज स्टाफ वहाँ मतलब निगरानी कर रहे थे और बताया था हुलिया कि जिसमें ऊपर से जनरेटर के शेप में रहेगा लेकिन अंदर में मतलब शराब रहेगा, तहखाना रहेगा, वही बात निकला है। और ऊपर से जनरेटर दिख रहा है लेकिन अंदर शराब रखा हुआ है। तो लगभग कितनी शराब होगी इसमें? अभी 200 पेटी से ऊपर होगा। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, 2 गिरफ्तार हुआ है, एक ड्राइवर है और एक में भी ट्रांसपोर्टर होगा और बाकी लोगों का खोजबीन कर रहे हैं। तो ये शराब कहाँ से लाई जा रही थी? ये हरियाणा से आ रही है।
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के सभा कक्ष में प्रिंसिपल एवं डॉक्टर द्वारा ANM को शपथ दिलाया गया कि अपने कार्यकाल में मरीजों के साथ ईमानदारी से हर संभव मदद करे, अच्छा बर्ताव रखे, निष्ठापूर्ण रूप से काम करे, किसी मरीज के साथ अभद्र व्यवहार न करे, अपनी गरिमा को बरकरार रखे, अपने फर्ज से कभी न मुकरे। वहीं ANM द्वारा नाटक प्रदर्शन भी किया गया। ANM के शपथ समारोह में जो नर्सेज हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समक्ष कैंडल जला के अपने व्यवसाय का शपथ लेते हैं कि मैं अपने मरीज की हर संभव ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छी लगन से लोगों की मदद करूंगी। इसके मुख्य अतिथि CS सिविल सर्जन सुपौल से और गेस्ट ऑफ ऑनर में डॉक्टर RB शिंदा सर, रंजनी सर और कार्य का संचालन प्राचार्य के द्वारा किया गया। शपथ समारोह में क्या सब बताया जाता है? शपथ समारोह में यह बताया जाता है कि आपको आपके मरीज के प्रति हमेशा समर्पित रहना। कृषि विभाग के डॉक्टर प्रेम कुमार, पटना जिले के किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम बामेती पटना के सभागार में आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों के प्रत्येक 323 ग्राम पंचायतों वार्ड में शिविर के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा। इस शिविर में किसान भाइयों एवं बहनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर पटना प्रमंडल के संयुक्त निर्देशक श्री उमेश प्रसाद मंडल, पटना जिला कृषि पदाधिकारी श्री राकेश रंजन एवं किसान भाई बहन उपस्थित हुए। आवश्यक है कि किसान के खेत के मिट्टी स्वस्थ और कल 5 तारीख से लेकर 5 दिसंबर से करीब 20 दिसंबर तक ना 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 10 दिनों तक कल विश्व मृदा दिवस कार्यक्रम था और राज्य के सभी किसान भाइयों को सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं उनके खेतों की जो मिट्टी है उसमें किन तत्वों की कमी है जाकर, और अभी तक जो नमूना संग्रह किया गया है 2 वित्तीय वर्ष का हम लोग का प्लान है 17-18-18-19 13,08,778 मिट्टी नमूने संग्रहण किए गए जाकर और उसके बाद जांच काल निर्धारित है। अभी तक जो हम लोगों ने पूरे राज्य में 10,00,000 किसान भाइयों को हम 10 दिनों के अंदर में सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उनको जानकारी देंगे उनके खेत की जो मिट्टी है मिट्टी में किन तत्वों की कमी है उसी के हिसाब से खादों का प्रयोग करेंगे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के हृदय उच्च विद्यालय लतोना मिशन में वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन ने भाग लिया एवं बच्चों द्वारा कला प्रदर्शन किया गया। श्रीमती रंजन ने बताया कि विद्यालय में जो अच्छी शिक्षा देते हैं नशा मुक्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सराहनीय है। श्रीमती रंजन ने विद्यालय को 1,01,000 रुपये अनुदान देने का वादा भी किया है। नशा मुक्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए जो सेक्रेड हार्ट स्कूल काम कर रहा है वो बहुत ही बेहतर है, वो दिखता भी है। तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे बिहार के, हमारे ही बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो भी स्कूल शिक्षा के लिए और बच्चों का भविष्य, खासकर उन बच्चों का जो बहुत बेहतर स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, जो बाहर जाके सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत है, आप अगर उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने से बेहतर कोई काम नहीं होता। तो मैं उनको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुरी बीटा में बिहार गृह रक्षा वाहिनी ने आज अपना 72वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार ने प्रतिनियुक्ति जवानों की सलामी ली और जवानों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में होमगार्ड के DIG सहित बिहार के तमाम जिलों के कमांडेंट मौजूद थे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जवानों ने आकर्षक परेड कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। साथ ही DDG होमगार्ड सुनील कुमार ने परेड का निरीक्षण करते हुए बेहतर परेड करने वाले कंपनी कमांडेंट को शील्ड देकर सम्मानित भी किया।
बोलते हैं लेकिन उनके हुनर बोलते हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय मनेर में गुरुवार को मनेर बाजार पर के पास लोजपा पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं के द्वारा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोजपा जिलाध्यक्ष व नेताओं ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस समारोह के दौरान लोजपा के जिलाध्यक्ष नंदन यादव ने कहा कि बाबा साहब संविधान के जनक थे, जो गरीब एवं दलितों के बारे में बहुत सोचते थे एवं उन पर जो शोषण होता था उसके खिलाफ हमेशा रहते थे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम लोग पुण्यतिथि मनाए हैं और बाबा साहब बहुत दलितों का मसीहा थे। अयोध्या में हो राम मंदिर का निर्माण मांग को लेकर हिंदू पुत्र संगठनों ने आज बीजेपी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और फिर कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक हम लोग अधिकार मार्च निकाल कर जा रहे हैं और हम लोगों को पूछना है कि हिंदू समाज के साथ जो आपने वादा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम मंदिर निर्माण करेंगे, हम मंदिर निर्माण को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और आज हम उस मंदिर निर्माण के लिए जब यह 4.5 साल बीत गया है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर पूछना चाहते हैं कि अब शेष 6 महीने बचे हैं, मंदिर निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है? अगर मंदिर निर्माण इनके कार्यकाल में नहीं हुआ तो शायद हिंदू समाज अपने आप को छला महसूस करेगा, फिर सरकार बन पाना उनके लिए मुसीबत हो जाएगी और हम लोग के लिए भी मंदिर निर्माण अब अधर्म लटकता हुआ। आज सासाराम में एम्बुलेंस कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। एम्बुलेंस सेवा 102 और 1099 तथा 108 नंबर की गाड़ियां ठप है। सभी एम्बुलेंस कर्मी सदर अस्पताल में धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है तथा पेमेंट मात्र 8 घंटे का ही दिया जाता है, जो श्रम कानून का सरासर उल्लंघन है। छपरा में सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। किए गए वादे को पूरा नहीं करने के नाकामी को छिपाने के लिए भारतीय संविधान, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता को तार तार किया जा रहा है। उक्त बातें जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राम बाबू सिंह ने पत्रकारों को बताया। श्री सिंह ने बताया कि नक्सलियों के नाम पर लेखक, कवि और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। भारत का संविधान, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अगर इस देश के अंदर कोई भी जहर अगर खोला गया, कोई भी अगर जो है अन्याय किया गया तो उसके खिलाफ हम तमाम वामपंथी जो है एक होकर के इसके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानियां क्यों न देना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कारण कि यह देश है, यह धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में कई जाति के लोग, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आज जो ये RSS वाले, भाजपा वाले जो जहर घोल रहे हैं, यह कतई हम जो है वामपंथ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज इस शहर के अंदर जो है विरोध मार्च हम लोग निकाले हैं। 4 वर्ष में मोदी जी की सरकार में भारत के संविधान की मूल भावनाएं खतरे में पड़ी हुई हैं। उस खतरे के खिलाफ हम लोग जो है सो पूरे देश में आज 6 तारीख को यह जो है संविधान बचाओ, धर्मनिरपेक्षता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं। हम इसके लिए आने वाले दिनों में भीषण से भीषण संघर्ष का सामना करेंगे। भागलपुर नवगछिया में 2.5 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों के विवाद में रामदेव मंडल की हत्या कर दी गई। गोपालपुर थाना के कटचिया गांव में रात्रि के 11 बजे रामदेव मंडल को सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की मुख्य वजह 2.5 बीघा जमीन को लेकर के दोनों पक्षों में कई वर्षों से चल रहा विवाद बताया जा रहा है। मतलब जमीन विवाद की चलते ही हुआ है। क्या विवाद था खेत? उसमें मामला क्या था? रसीद नहीं कटेने रुमासनी जबरदस्ती लाठी इस करे मस सब ना लिखा लड़का झूठा फुलजोरी करी ले लड़के मस सब हमरा ससुर सब मतलब अब कोई उपाय नहीं चल के लिए तुम्हें मर्डर कर देंगे क्यों नहीं आए ने तब हम फिर अभी केस कर लगे तो फिर मान लिया टाइटल जीती ले लगे जीती ले लग बाद उपराज के टाइटल के जीतल के अपने की में हमरा भाई जीतल के जीतल के तो
ओकरा पर मानि लिए यहाँसँ पार्टी नहिए छोड़लकै आ नहि छोड़ने छै अपील करलकै यहाँसँ अपीलोके कहीँ ठिकाना नहि छै इंटरनेट अब देखलो गेलै तीन चार हकमे ने वहाँ पटनामे ओकरा रिटायर करि देलकै जमीन अब चढ़बै कथी लए बेची लै छियै हाँ बस दसे कट्ठा तऽ अभी बेचनाइ रहै कालखाना पर पैसा देने छै कि नहि देने छै हमरा सब नहि जानै छियै काल गेलो रहै लिखै लए अयलै लिखी चार बजे ओ पैसा देलकै कि नहि देलकै रखने छै कहाँ ओहो नहि जानै छियै। बाम मोर्चे के संयुक्त आवाहन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मसौढ़ी में एक मार्च निकाला गया जो भाजपा माले से निकालकर मसौढ़ी के मेन रोड से होकर स्टेशन रोड तक गई, बाद में तारेगना स्टेशन परिसर में सभा में तब्दील हो गई। मसौढ़ी थाने से महज 50 गज की दूरी पर मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान से जनरेटर की चोरी हो गई। इस संबंध में दुकानदार ने मसौढ़ी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक सनहा दर्ज करवाया है। दुकानदार ने बताया कि रात्रि में 9 बजे काम करने के बाद सोने चले गए थे, सुबह दुकान पर आए तो देखा कि जनरेटर नहीं है। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की। क्या काम करते हैं आप? मोटरसाइकिल वगैरह मोटरसाइकिल बनाते हैं। चोरी हुई इसकी जानकारी आपको कब मिली? रात में हम लोग 8-9 बजे काम कर रहे घर में सोने चले गए थे, सुबह जब उठ के आए दुकान पे बाहर तो देखा कि जनरेटर का ताला सिकर कटा हुआ है और जनरेटर नहीं था। अगल बगल पूछ दस किए लेकिन कुछ जानकारी नहीं हुआ, इसके संबंध में थाना में FIR दर्ज किया गया। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।